हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हैव अ नाइस डे, होप यू ऑल ओके। आज हम आपको दिखाने वाला है एक स्पेशल डिश है, झींगे का सालन विद आलू है। इसको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको हम आगे आगे बताएगा। ये देखो, पाव किलो झींगा है, साफ करके हम ऐसे रखा है, और दो प्याज है कट करके हम इसको थोड़ा भून के रखा है, और थोड़ा लहसुन है वो भी भून के रखा है, 6 ग्रीन चिल्ली है ऐसे रखे हमने, और दो टमाटर कट करके रखा। आगे इसको चाहिए मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, और बड़ी सौफ जीरा धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। हमने व्हाइट तिल लिया 2 टेबलस्पून, उसको भून के रखा। सिंग लिया 1 टेबलस्पून, वो भी भून के रखा, और खोपरा का पाउडर है वो 2 टेबलस्पून है, 1 टीस्पून मेथी दाना वो भी भून के रखा। अभी जो बोला सब हम भून के रखा, खोपरा का पाउडर भी भून के रखा। ये जीरा लिया हमने 1 टेबलस्पून बघारने के लिए, थोड़ा कड़ी पत्ता लिया, साल्ट एज पर टेस्ट, आपको जितना चाहिए वो हिसाब से आप डाल सकते हैं, ओके। ये 2 छोटा आलू है, हम ये कट करके ऐसे उसको फ्राई करके रखे, ये 75% फ्राई हो गया। ये इमली का पानी है, हम इतना ही लिया, आपको आपका टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हम अपना झींगा गलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए पानी और लगेगा। अब ये सब पीसने का, जो भून के रखा है वो सब पीसने का। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज, ओके, डोंट फॉरगेट बेल आइकन। अभी कढ़ाई रखा, कढ़ाई में हम 100 ग्राम तेल ऐड किया, अभी 100 ग्राम तेल है, साथ में कलौंजी ऐड किया, कलौंजी आपको मालूम है हम हमेशा ऐड करते हैं। इसमें ऐड किया जीरा, अभी ऐड किया 1/2 टीस्पून मेथी, अभी जो भून के रखा सब मसाला पीस के रखा सब उसमें ऐड किया हमने। अभी सब मसाला हम ऐड कर रहे हैं इसमें, मिर्ची, धनिया, बड़ी सौफ, जीरा, हल्दी सब उसमें ऐड करेगा। इसको अच्छा से मिक्स करने का, अच्छा से भूनने का। इसका तेल अभी छूट रहा है, अच्छा से भून लिया। अभी इसमें हम नमक ऐड करेगा, नमक हमने आपको बोला आपका टेस्ट के हिसाब से आप डालने का। तेल छूट गया, अच्छा से भून लिया, अभी इसमें नमक ऐड कर दिया। अभी इसमें हमने 1/2 किलो झींगा ऐड कर दिया। अभी हम इसमें इमली का पानी ऐड कर रहे हैं, जो बना कर रखा इमली का पानी है इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी हमने इसमें पूरा इमली का पानी ऐड कर दिया, ओके। अभी ये थोड़ा पकने के बाद आलू ऐड करेगा, आलू ऑलरेडी 75% फ्राई हो गया, इसके लिए थोड़ा टाइम से आलू डालेगा। ये सालन थोड़ा खट्टा रहेगा, एक्चुअली ये सालन हैदराबादी स्टाइल में हम बना रहे हैं। इसको निकाल के रखा था, मिर्ची सब उसमें ऐड कर दिया, मिर्ची हम ऐसे ऐड कर दिया क्यों, बीच में थोड़ा लंबाई कट कर दिया स्लाइस, मिर्ची में थोड़ा बीच में चीर मारा हमने, मिर्ची हमने बघारने में इसके लिए नहीं डाला, ये ज्यादा तेज वाला नहीं है मिर्ची, इसके लिए बाद में इसको बघारने में डालते हैं जीरे के साथ। अभी हम इसमें फ्राई करके रखा पोटैटो इसमें ऐड करेगा। ये देखो करी एकदम थिक हो रही है, अभी ऐसे बनाकर ये करी आप देख लो, इसका साइड से तेल छूट रहा है। अब
अभी देखो माशाल्लाह हमारा करी हो गया, आलू और झींगा का सालन हैदराबादी स्टाइल। अभी हमारा ये झींगा और आलू का सालन तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा बघार दिया और थोड़ा कोथमीर ऐड कर दिया गार्निशिंग के लिए। इसमें झींगा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि सालन है, छोटा छोटा झींगा भी है और सालन है, इसकी वजह से नहीं दिखेगा, सालन का अंदर झींगा हो जाएगा। और ये हैदराबादी डिश है। ओके, आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। प्लीज लेट मी नो द कमेंट्स। प्लीज हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। See you soon with a new recipe. See you.